सिस्टर्स, कैसे आप सभी लोग? आई होप दैट आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी होली। और जैसा कि आप सबको पता है, आज 18th मार्च है, तो आज है होली। तो आपको एक बार फिर से हैप्पी होली। तो आज हम आपको अपना पूरा डे रूटीन दिखाएंगे कि हम क्या क्या करते हैं होली में, और होली खेलना है, और होली का जब हम खेल रहे होंगे वो भी आपको दिखेगा। हाँ, तो चलो दिखाती हूँ आपको जो जो होता है आज पूरे दिन भर, और आप मेरे वीडियो में बने रहना। अभी टाइम हो रहा है, सुबह के 9 बज रहे हैं अभी, और बस अभी अभी आपने अभी मैंने आपको अभी दिखाया था कि अभी जब से मैं आपको पूरा तो नहीं दिखा पाई जब वो गा रहे थे, तो जब वो भी जा रहे थे तब मैंने आपको दिखाया, क्योंकि होली में हमेशा यहाँ पे आते हैं, हर साल यहाँ पे गाते रहते हैं, कुछ लोग आते हैं होली के शुभकामनाएं देखने के लिए, सबके घर में गा के जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बट मैं सारा तो नहीं दिखा सकी, थोड़ा सा मैंने दिखाया जब वो जा रहे थे, तो बस इतना ही दिखा सकी। अब आगे दिखाती हूँ आपको पूरे डे भर में कितने सारे भर दिए। अभी तो और भी भरूंगी, अभी इतने ही नहीं, अभी तो बहुत सारे भरने, नहीं तो इतने से तो हम एक इंसान ही को मारेंगे, इतने अच्छे निशान तो है नहीं हमारा। तो चलो मैंने और भरती हूँ, मैं इसे खोल लेती हूं। नहीं, माई बड़ी मुझे सुनाया है, मैं भरने जा रहा हूँ, चलो मैं भरने जा रहा हूँ। मैं तो इतने मजे करूंगी, इतने मजे करूंगी, और भर दिए गुब्बारे, करी सारी मेहनत, पर मैं फोड़ूंगी वो बैलून इसके ऊपर। इतना बुरा लगता है जब वो बैलून फूटते हैं हमारे ऊपर, क्योंकि इतनी मेहनत से फोड़े, हाथों में दर्द होने लग गए, बट तब भी फोड़ देती है मेरे ऊपर। इससे कुछ भी नहीं कर रहा, इससे कुछ भी नहीं कर रहा, बस आराम से नाच दिया। मैंने भी बहुत काम करा है। अभी मैंने बैलून भी भर लिए हैं, अभी आपको दिखाती हूँ। और ये मम्मी और पापा के साथ मैंने अभी घर में होली खेली, तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ होली खेलने जाऊंगी और आपको दिखाऊंगी मैं भी। और गुद की चोटी बनानी तो कंपलसरी है, क्योंकि पता है बालों में बहुत डैमेज हो जाएगा, और तेल लगाना भी बहुत कंपलसरी है। ये है भी बता दिया मैंने आपको होली का। तो अब माही आ जाओ, ये देखो माही भी आ गई, माही ने भी होली खेली, मतलब घर में खेली, अभी पूरी होली नहीं खेली, पूरी होली खेली होती तो नहीं पूरा मुंह भर जाता। रखा है हमने होममेड कलर्स हैं, ये वाले तो होममेड कलर है, बाकी तो हम कल मार्केट से लाए, कौन इतने होममेड कलर बना रहा है। और ये देखो ये पिचकारी, और ये है हमारे बलून जो कि मैंने बड़ी मेहनत से भरे, मेरे सारी मेहनत अब पानी में जाने वाली है, क्योंकि इनमें पानी भर रखा है, और ये पानी में भी चली जाएंगे, और इतने सारे, और यहाँ पे हमने पानी भी भर दिया है। रोली राजा दोपहर क्या करोगे? ठंडा लग जाएगा।
पहले कैसे मेरे पे रंग लग रखे थे और अब मेरा भी देखा होगा। और अभी आप देख सकते हैं हम नहाए वैसे ही सब निकल गया क्योंकि हमने तेल पहले से यूज किया था और हमने पक्के रंग बिल्कुल यूज नहीं करे, बस नेल्स पे रह चुके हैं। अभी हमने जैसे नाश्ता वाश्ता करा था, बस मैंने तो ज्यादा नहीं करा क्योंकि मैंने बलून भरने में बैठ गई, फिर सीधा मेरी फ्रेंड्स आ गई तो मैं खेलने चली गई, तो मैंने बस एक दो खाया था शक्कर पारे। और उसके बाद अब हम अपना लंच करेंगे, या लंच क्या वो करेंगे, अभी तो लंच होता ही नहीं, अभी बाद में अभी थोड़ा और खाना खाएंगे, नाश्ता करेंगे। हाँ, फिर से नाश्ता करेंगे, ये बात हम कह सकते हैं। लंच में तो ऐसी चीजें आती ही नहीं है, इंक्लूड होती ही नहीं, तो फिर हम अभी फिर से नाश्ता करेंगे और बस। और अभी आपको दिखाऊंगी भी होली पे ना
मेरे नेल पे रखे थे, देखो मेरे इस वाले पे कुछ नहीं हुआ, ये नेल पॉलिश बन गई मेरी पिंक कलर की। हाँ ये तो रियल बात है कि ये नेल पॉलिश बन चुकी है, बिना वो कुछ भी हल्का सा भी निकला, बस नेल पे ही लगी है, मेरे सारे निकल गए देखो, पिंक कलर की है, हल्का सा रह रहा है, इस पिंक कलर की, इस सारे तो बहुत रह रहा है। सो गाइस ये है हमारे नाश्ते का आइटम, गाइस ये रहा हमारे नाश्ते का आइटम, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं ये है दही बल्ले जो कि हम चारों की प्लेटों में है, और ये है गुजिया, होममेड गुजिया है हम मम्मी ने बनाई, और ये गोलगप्पे हमने इसलिए बनाए क्योंकि माही को तो बहुत पसंद है गोलगप्पे, उसे दही बल्ले नहीं खाने पर गोलगप्पे जरूर खाने हैं, और ये है शक्कर पारे मठरी, और यहाँ पे नमकीन भी है, अंदर अंदर घुस गई है नमकीन तो, और ये सारे होममेड बना रखे हैं मम्मी ने, तो अब हम पहले नाश्ते कर लेते हैं। हाँ नमकीन तो होममेड नहीं बन पाती, सारा हमने होममेड बनाया है, पर नहीं हमने। हाँ तो हम अब इसे खा लेते हैं, बहुत भूख सी लग रही है अब क्योंकि बहुत सुबह से भूखे बैठी हूँ तो भूख तो लगेगी, अब मैं जल्दी जल्दी खा लेती हूँ इसे, तो चलो अब मैं खा लेती हूँ। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 5:10 हो रहा है, और माही अभी आधे घंटे पहले उठी है, और मेरे को तो नींद आती नहीं है क्योंकि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि मैं कभी दिन में सोती नहीं हूँ, माही सो जाएगी तो सो जाएगी, उसका भी कंफर्म नहीं रहता सोएगी या नहीं, बट मैं तो कभी भी नहीं सोती हूँ, और बस तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, तो मैं भी आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या करा, मैं आपको नहीं दिखाऊंगी मैंने क्या किया, मैं दिखाऊंगी मैंने क्या किया उसका, मैंने तो पूरा बेड खराब कर दिया, जैसे मैं बैठी थी वो सारा बेड खराब हो चुका है, और चलो आगे आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया। अगर आपको मेरा वो क्राफ्ट देखना है जो मैंने बनाया तो आप मेरे दूसरे चैनल पे जाके उसे सब्सक्राइब कर देना, उसका नाम है आर्ट क्राफ्ट एंड मैथ्स टाइम विद स्नेहा, उसे सब्सक्राइब कर देना जिससे मैं आपको ये क्राफ्ट वाली वीडियोस में डाल दूं। तो चलो मैं आपको भी दिखा भी देती हूँ कि मैंने कैसा अपने बेड का हाल कर दिया। सो गाइस आप देख ही सकते हैं ये मेरे कलरफुल शीट्स भी मैंने इतने सारे वेस्ट कर दिए, वेस्ट के अच्छे यूज करे हैं, बट इतना सारा मैंने अपना पूरा बेड खराब कर दिया, जैसे कि मैंने आपको बोला 5:10 हो चुके हैं और हम 5:30 पे बाहर निकल जाते हैं, यानी कि बाहर चले जाते हैं, और 4 बजे अराउंड तो इतनी यहाँ पे धूप थी कि हम क्या बताएं, 4 बजे के अराउंड यानी कि शाम तो हो ही गई थी, शाम तो मान ही लो कि शाम हो ही गई थी, बट यहाँ पे इतनी धूप थी ना कि हम क्या ही बोले, और अब ऐसा अंधेरा और धूप जैसा मौसम हो गया, कभी अंधेरा हो रहा है कभी धूप आ जा रही है, कभी अंधेरा और सब धूप आ जाती है, तो अभी तो अंधेरा ही हो रखा है बाहर। अपनी वीडियो एंड कर दी हूँ क्योंकि मैंने आपको अपना पूरा होली ब्लॉग तो दिखाई दिया, और होली में ये थोड़ा ना होता कि हम शाम तक होली बनाए, रात तक होली बनाए, रात तक तो कौन ही होली मनाता है, अब बस सुबह सुबह होली होती है, और वीडियो बहुत लॉन्ग बन चुकी है जैसा कि अभी आपने देख ही लिया, और मैं नहीं चाहती कि पूरी वीडियो लॉन्ग बने, तो कैसे लगे आपको मेरी वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना जिससे आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन मिल जाए, और कमेंट लिखना भी मत भूलना, और किस टॉपिक में नया वीडियो बनाऊं वो भी मत भूलना। बाय बाय। लगी होगी तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और बेल।